नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके दोस्त के चैनल क्रिप्टोवर्स में। और मैं हूं आशीष, और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं दोस्तों आप लोगों के सामने अपना नया वीडियो लेकर। और इस बार हम लोग बात करने वाले बिटकॉइन अडॉप्शन के बारे में। बहुत सारी न्यूज निकल करके आ रही है, बहुत सारी चीजें पता चल रही है, और जिससे समझ में आ रहा है कि बहुत सारी अडॉप्शन बीटीसी की जो है होने लग रही है, जो कि हम लोगों को शायद नहीं मालूम है। तो उसी के बारे में बात करने वाले दोस्तों। हमेशा की तरह ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हॉडल कीजिए। बीटीसी हॉडल का टाइम है, बाय कर सकते जितना उतना कर लीजिए, और फिर उसके बाद पता नहीं ये पल हो ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का वीडियो। और हमेशा की तरह दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट हूँ, सिर्फ आप लोगों का छोटा सा दोस्त हूँ जो कि आप लोगों को डे टू डे लाइफ में क्रिप्टो यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट आईसीओ या कॉइन के अंदर पार्ट लेना ना लेना टोटली आपके ऊपर है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोगों का ये वीडियो और शेयर करते हैं हम लोगों की स्क्रीन। आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संदीप भाई, कृष्णेंदु भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के आने के लिए। तो शेयर करते हैं हम लोगों की स्क्रीन। ये रही हमारी स्क्रीन कंप्यूटर जी। तो ये तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन एडॉप्शन की, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के माइंड में आती है कि बिटकॉइन एडॉप्शन एक्चुअली में हो भी रही है कि नहीं हो रही है, या फिर हम लोगों को वैसे उल्लू बनाया जा रहा है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर बिटकॉइन की अडॉप्शन नहीं होती तो शायद अभी तक ये इस स्टेज पे भी नहीं पहुंचता जितने पे आज ये अवेलेबल है। अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विकिपीडिया हो गया, एक्सपीडिया हो गया, ओवरस्टॉक हो गया और पॉर्नहब हो गया, इस तरह की वेबसाइट्स जो है, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है, कंपनी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है बिटकॉइन। कहीं ना कहीं कुछ तो है इसके अंदर की जो बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रही है। स्टोर है जो कि बिटकॉइन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि जो भी अपनी चीज़ें सर्विसेज या कुछ भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट अगर उनको सेल करना होता है तो वहाँ पर वो यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन के साथ में जुड़ी हुई। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जो कि एक वेबसाइट है बिटकॉइनिक, और उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी सारे लिंक उन्होंने शेयर किए थे। उसके अलावा मैंने भी थोड़ा सी चीज़ें जो है इकट्ठी करी जो मुझे लग रहा था कि मिसिंग है। बट एनीवेज शुरू करते हैं हम लोग। मुझे आर्टिकल काफ़ी अच्छा लगा तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं अडॉप्शन के अंदर, तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारे साथ में, हमारे सामने बिटपे। तो बिटपे काफ़ी ज़बरदस्त अडॉप्शन के साथ में अवेलेबल है। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जिनको आप शायद जानते भी ना हो, लेकिन वो सभी इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, डेल्टा और बहुत सारी बड़े बड़े बिग बाजार हो गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जाकर के तो कितनी जबरदस्त पीवीआर, पेंटलून्स, रतनदीप और स्टारबक जैसी कंपनी जो है ऑलरेडी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही है बिटपे के थ्रू। और इतना ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें, न्यू एज हो गया, लेजर हो गया, स्कैन यूके हो गया, एवनेट हो गया। फिर ज्वेलरी में अगर बात करें तो एम्पेक्स, गोल्ड मनी और ये सभी कंपनीज जो कि एक्सेप्ट करती है बिटकॉइन पे के थ्रू सारी की सारी जो आप कह सकते हैं कि पेमेंट्स। और बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और इसी की तरह एक और वेबसाइट है जिसका नाम आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, बिटरिफिल। तो बिटरिफिल पे भी आप जाकर के यहाँ पर अपने अगर रिचार्ज कराना चाहते हैं, अगर आप कोई गिफ्ट कार्ड बाय करना चाहते हैं या फिर लाइटनिंग पेमेंट, वो सब चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो आप ईजिली बिटरिफिल के ऊपर जाकर के कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है वाली वेबसाइट। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी ज़रूरत की ऑलमोस्ट हर एक जो है क्या कहते हैं वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं कूपन जो भी आप लेना चाहते हैं, खाने से लेकर के पेट्रोल भराने तक, और इवन कहीं घूमने से लेकर के इवन कहीं आप स्काई विस्काइप पे भी अगर आप करना चाहते तो वो सभी। तो मतलब भर भर के चीज़ें जो हो रही है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट में भी इसका बीटीसी का अडॉप्शन हो गया, फाइनली इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंडिया के अंदर ये स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे नहीं मालूम क्यों, क्योंकि मैंने लॉगिन भी किया था, सब कुछ करने का कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे जो है नहीं मिला इसका क्या कहते हैं लिंक, इसका एक्सेस। और यही एक मुझे एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक लगा यहाँ पर आने के बाद, क्या कहते हैं लाइव लॉगिन में आने के बाद यहाँ पर आपको ये करना पड़ता लॉगिन। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पेमेंट बिलिंग के अंदर आकर करना पड़ता है, ऑप्शन आता है बेसिकली यहाँ पर बिटकॉइन एक्सेप्ट का, जैसे कि यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि यहाँ पर आना चाहिए क्या कहते हैं पेमेंट बिलिंग के अंदर सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ही आ रहा है। तो इसको नेक्स्ट भी करते हैं तो भी हमारे पास वो फॉर्म फिल करने के लिए आ जाता है, और कोई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं आता। तो ये मतलब आप शायद इंडिया से बाहर होंगे तो आपके लिए बिल्कुल ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, लेकिन इंडिया के अंदर अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों विकिपीडिया। विकिपीडिया काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से बिटपे के थ्रू जो है डोनेशन ले रहा है, काफ़ी क्या कहते हैं इनको हेल्प मिलती है, क्योंकि ये लोग नॉन प्रॉफिट
फाउंडेशन है और ये सिर्फ डोनेशन के ऊपर ही चलते हैं। ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं अडॉप्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली इनको अपने खर्चे पूरे करने के लिए इसी का सहारा लेना पड़ता है और इसी के थ्रू ही सारी की सारी जो है इनकी पेमेंट आप कह सकते हैं कि वो होती है, इनकी फीस हो गई और बाकी जैसे सैलरीज हो गई वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों यहाँ पर AT&T की अगर बात करें तो ये भी एक्सेप्ट करने लगे हैं बिटकॉइन पेमेंट। मई 2019 की ये न्यूज़ है और ये भी बिटपे एक्सेप्ट करते, तो इस वजह से आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के बिटपे का लिंक यूज़ करके यहाँ पर आप इनको पेमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर ट्रैवला की अगर बात करें, ट्रैवला जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों ट्रैवल से रिलेटेड कंपनी है, और ऐसे ही एक और जो ट्रैवल बाय बिट करके है जो कि है क्या कहते हैं बाइनेंस की खुद की कंपनी, वो भी यही चीज़ें करते हैं, बिल्कुल सेम क्या कहते हैं यही सेम कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आप होटल से लेकर के फ्लाइट से लेकर के कैब से लेकर के सब कुछ आप वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं बिटकॉइन को यूज़ करके। और इतना ही नहीं, बिटकॉइन ही नहीं, यहाँ पर और भी दूसरे ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल है इनकी वेबसाइट्स के ऊपर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास mega.nz। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर अकाउंट नहीं बनाया, बट यहाँ पर भी प्रोलाइट के अंदर जाकर के जब आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्लाउड स्टोरेज कंपनी है जो कि प्रोवाइड कराती है, सेंट्रलाइज्ड है ये क्लाउड स्टोरेज कंपनी जो कि प्रोवाइड कराती है कि अगर आप BTC यूज़ करके अगर आप यहाँ पर कुछ सर्विसेज लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हैं और बहुत ईजिली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ExpressVPN, क्योंकि ये कुछ IS प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन अगर आप एक्सप्रेस VPN अगर आप बाय करना चाहते हैं तो VPN आप BTC के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी वेबसाइट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इसका एडॉप्शन है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं अपने मोबाइल PCs के ऊपर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास cheapair.com। तो यहाँ पर भी आप जाकर के BTC यूज़ कर सकते हैं। ये जुलाई 2018 की न्यूज़ है और यहाँ पर इन्होंने एक नया मर्चेंट के साथ में इन्होंने सर्वर स्टार्ट किया था 2013 से ये लोग एक्सेप्ट करते थे BTC को, लेकिन 2018 के अंदर इन्होंने अपना ये जो सर्वर पे सर्वर जो है इसको चेंज किया इन्होंने, और इनको इन्होंने भी शायद बिटपे को सेलेक्ट किया है। यहाँ पर कहीं पर लिखा था, मैं अभी भूल रहा, पेमेंट प्रोसेसर BTC पे सर्वर इसके थ्रू ये लोग करने लग रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास gift.com। तो gift.com भी अब BTC को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर आप जाकर के BTC के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये लोग शॉप, अगर आप शॉप करना चाहते हैं तो BTC के थ्रू आप यहाँ पर शॉप कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड अगर आप बाय करना चाहते हैं, अगर आप क्रिसमस गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर आप दिवाली गिफ्ट देना चाहते हैं, होली गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इसको यूज़ करके आप जो गिफ्ट कार्ड वो सब बाय करके आगे आप गिफ्ट कर सकते हैं और इसी तरह की चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त एडॉप्शन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। वहीं न्यू एक कंपनी जो कि एक आप कह सकते हैं ये भी क्या कहते हैं इसकी अगर बात करें तो ये लोग जो डोमेन नेम्स जो होते हैं उनको सेल करते हैं, और यहाँ पर भी आपको ये डोमेन नेम वाली है, मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल, आई गेस ये हार्डवेयर, सॉरी माफ़ कीजिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर ये लोग सेल करते हैं, और क्या कहते हैं बिल्कुल ये हार्डवेयर कंप्यूटर के और दूसरी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली ये लोग सेल करते हैं, और यहाँ पर भी अब BTC जो है एक्सेप्ट होने लग रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास archive.com। तो अर्चीव में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पर आप अगर क्या कहते हैं बाय करना चाहते हैं कुछ भी तो archive.com के ऊपर जाकर के आप इजीली यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास पेमेंट ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो कितने सारे पेमेंट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, और जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक तो बिटकॉइन कैश, XRP, इथीरियम, जी कैश और डोनेट, मतलब अगर आप डोनेट भी करना चाहते हो तो इनको डोनेट भी कर सकते हैं। तो ये अगर इनकी बात करें तो ये लोग भी पूरा एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा इन लोगों के पास में क्या कहते हैं पूरा का पूरा आर्काइव है, तो काफ़ी ज़बरदस्त ये लोग भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल जा करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास पायरेट बे, कौन नहीं जानता इनको, तो ये भी आप अगर आप कुछ इनकी प्रीमियम सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो BTC और LTC और XMR इन सब को यूज़ करके आप कर सकते हैं, और बहुत मतलब मज़ा आएगा आपको करके। अगर आप क्या नाम है जो टॉरेंट्स होते हैं उनके अगर आप दीवाने हैं तो बिल्कुल आप पायरेट बे को यूज़ कीजिए और मज़ा लीजिए BTC यूज़ करके। नेमचीप की अगर बात करें तो ये है दोस्तों क्या कहते हैं जो वेबसाइट नेम्स जो होते हैं, डोमेन नेम जो होते हैं उनको सेल करते हैं, ये भी BTC एक्सेप्ट करने लगे हैं थोड़े टाइम पहले ही, और काफ़ी ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, और
इनका भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर काफी सुना जा रहा है कि जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी ज्यादातर क्या कहते हैं यूआरएल बुकिंग जो हो रही है वो बीटीसी और क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू ही इनके पास ज्यादा बुकिंग हो रही है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास एक्सपीडिया। ये कौन नहीं जानता एक्सपीडिया को, यूएस की काफी सबसे ऑलमोस्ट सबसे बड़ी मतलब क्या कहते हैं दूसरी है, मैं नाम बोल रहा हूँ बीएनबीआर ऐसे कुछ करके नाम है उसका, वो है, उसके बाद में एक्सपीडिया आती है। तो ये लोग भी बीटीसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इनकी अगर बात करें तो ये लोग भी काफी टाइम से बीटीसी को एक्सेप्ट करते हैं, और चाहे ये किसी और मतलब प्लेटफॉर्म को यूज करके करते हो लेकिन इनका नाम भी कहीं ना कहीं काफी ऊपर आता है। कॉइनबेस वेबसाइट को, माफ कीजिए, ये लोग कॉइनबेस को यूज करते हैं एज अ सर्वर, और फिर ये लोग पेमेंट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं आती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास KFC। KFC कनाडा के अंदर अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी बिटपे का सर्वर यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। रिसेंटली KFC, अगर आप लोगों को याद होगा, इवन सबवे जो यूरोप के अंदर काफी सारे सबवेज हैं वहां पर भी बीटीसी स्टार्ट हो गया है और काफी जबरदस्त चल भी रहा है वहां पर। और KFC भी कनाडा के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी KFC जो है यूज हो रहा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी 2018 की ये ट्वीट थी जहां पर ये पेमेंट करी गई, और ये क्या कहते हैं जो आर्टिकल जो है वो भी जनवरी 2018 का ही है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास Playboy TV। Playboy TV को कौन नहीं जानता है, तो यहाँ पर भी जो क्रिप्टो जो है वो एक्सेप्ट करी जा रही है, और ये भी एक काफी बड़ी आप कह सकते हैं कि जो फुटफॉल है जो इनकी वेबसाइट के ऊपर वो भी काफी जबरदस्त है। माना जाता है कि हर मंथ की अगर बात करें तो तकरीबन 0.5 मिलियन के आसपास में हर मंथ इनकी वेबसाइट के ऊपर वो होता है, फुटफॉल होता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं इसको भी बीटीसी को भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं विजिबिलिटी मिल रही है, क्योंकि कोई न, जब भी कोई जाता है वहां पर तो जरूर देखता है कि क्या हो रहा है, कौन किसके थ्रू पेमेंट हो रही है, तो वहां पर बीटीसी भी लिखा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में तो जरूर ही आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास एक ये सबवे के ऊपर एक ये वीडियो पर्सन थे जिन्होंने वीडियो बनाई थी, और यहाँ पर इनका ये एडम वेल्श करके ये है, 2013 में इन्होंने पेमेंट करी थी, और मतलब यहाँ पर ये एक वीडियो है इनकी, और काफी मतलब मजा आया ये वीडियो देख करके। तो यहाँ पर बीटीसी के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, बेशक यहाँ पर क्या कहते हैं आप देख सकते हैं कि ये एक इन्होंने बैनर सा ले रखा है, लेकिन तब तक इतना ज्यादा वो था नहीं वहां पर चलन, लेकिन बाद में काफी चलन वहां पर सबवेज के अंदर ये हो गया कि बीटीसी को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरी वेबसाइट्स और इन सब चीजों का क्या नाम है कहीं ना कहीं यूरोप में, जैसे मैंने बताया यूरोप के अंदर भी काफी सारी ऐसी जगह है जहां पर बीटीसी को एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों वर्जिन अटलांटिक की अगर बात करें, तो वर्जिन का नाम कौन नहीं जानता है। तो वर्जिन जैसे कि आप सभी को पता है कि रिचर्ड ब्रांसन इसके एक मालिक हैं। तो 2013 का आर्टिकल है, तो इसके अंदर इन्होंने बीटीसी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था और काफ़ी इसके बारे में बोला भी था। तो ये 2017 में जो भी थे तो उनको याद होगा कि इनका क्या कहते हैं इनका फेस काफ़ी यूज़ किया जाता था बीटीसी के साथ में, कि ये एक्सेप्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं और इस तरह की चीज़ें। बट मतलब इनका जो अगर बात करें कि जो काम धंधा है जो इन लोगों के जो बिजनेस है बहुत वाइडली बिलियंस के अंदर इन लोगों का भी बिजनेस है, काफ़ी ज़बरदस्त एडॉप्शन की अगर बात करें। नेक्स्ट है दोस्तों तो यहाँ पर ये वही आर्टिकल है कि जब 2013 में इन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया था तो उस टाइम पर यह आर्टिकल आया था। फिर है हमारे पास दोस्तों कि अब कि ये क्या कहते हैं जो बिटकॉइन के क्या कहते हैं ATM जो है वो वर्ल्ड वाइड 6,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं इस टाइम पर। अगर हम लोग 2017 की बात करें तो 2017 में मुझे बहुत अच्छे से याद है 1,000 से भी कम बिटकॉइन ATM होते थे, लेकिन अब 6,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। ये काफी अच्छी काफी सुंदर बात है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो फाइनली हम लोगों को कुछ ना कुछ और एडॉप्शन आने के लिए मतलब मिलेगी। लोग अगर देखेंगे तो शायद बाय करने की भी कोशिश करेंगे, लोग अगर देखेंगे मतलब आपने भी हमेशा एडवर्टीजमेंट वाला एक देखा होगा कि जब जो कंपनीज होती है वो बार बार एक एडवर्टीजमेंट को दिखाती है, वो क्यों दिखाती है, ताकि आप लोग उसको बाय करने के लिए एकदम तैयार हो जाएं और उसके लिए मजबूर हो जाए बाय करने के लिए। तो इसी तरह से अब ये जुगत चल रही है कि क्या पता जो अडॉप्शन है वो इसी तरह से आ जाए, और इसी तरह से वो लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को दिखाने की ताकि लोग और देखें और जुड़े इसके साथ में। और नेक्स्ट है दोस्तों कि ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है यहाँ पर जो कि आर्टिकल के अंदर से ही थी, और यहाँ पर अगर बात करें तो Bitcoin.travel है, उसके अलावा अल्जा है, यहाँ पर प्रीमियम बाय ट्रेवन है, यहाँ पर ये लंदन बेस्ड कंपनी है,
ओल्ड फिट्जरॉय है, जिंगा है, इजी टीवी है, हेलन पिज्जा, उसके अलावा seoclerk.com, biggamefish.com, suntime.com और म्यूजियम ऑफ द कोस्टल बैंड, उसके curryupnow.com, डिश नेटवर्क, द लिबर्टेरियन पार्टी, उसके अलावा lv.com, जैसे हाँ बिल्कुल काफ़ी सारी कंपनी कह रहा हूँ, काफ़ी सारी यूएस की जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है बिटकॉइन, तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़बरदस्त कहना पॉलिटिकली लोगों के ऊपर छाप छोड़ेगा। lv.net हो गया, उसके अलावा यहाँ पर आप सिंपल पे हो गया, shopify.com हो गया, स्टेट रिपब्लिकन पार्टी हो गया, ये भी यूएस की ही कंपनी जहाँ पर वो डोनेशन जो है ले रहे हैं, और फेमसा हो गया, नॉटी अमेरिकन हो गया, उसके अलावा मैक्सिको, नॉटी अमेरिकन अच्छा एडल्ट एंटरटेनमेंट, ओके, यूनिवर्सिडेड हो गया जो कि अमेरिकन पवलानो मैक्सिकन यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर movietickets.com हो गया, रेकुटेन हो गया, सेव द चिल्ड्रन जो कि क्या कहते हैं वो लेते हैं चैरिटी के लिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा, प्योर वीपीएन हो गया तो वीपीएन सर्विस बाय कर सकते हैं, फोडलर हो गया, अमागी मेटल्स हो गया। तो देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, बेशक अभी उतनी उस तरह से उस लेवल के ऊपर नहीं आया, बट फिर भी बहुत हद तक 2017 से और अभी तक बहुत सारी अडॉप्शन आगे बढ़ चुका है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें ही हो रही है, ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़ी चीज़ें भी होने लग रही है। नेक्स्ट है दोस्तों बिटफिनेक्स, बिटफिनेक्स की अगर बात करें तो रिसेंटली इन्होंने अपने बिटफिल के साथ में एक कैटलॉग शेयर किया है, और यहाँ पर आप अगर बिटफिनेक्स यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट आप बिटफिल क्या नाम है बिटफिल यूज़ कर पाएंगे उनकी वेबसाइट के ऊपर, वहीं से डायरेक्ट पेमेंट कर पाएंगे। आप खुद सोचिए क्या ज़बरदस्त इन्होंने दिमाग लगाया कि बिटफिनेक्स का वेबसाइट ओपन करा हुआ इन्होंने, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ही आप बिटरिफिल का पेज ओपन कर पाएंगे, इसी के ऊपर इनका जो पेज है वो कैटलॉग जो है वो शेयर हो गया इनके ऊपर, यहीं पर जाकर के ही आप जो भी बिटरिफिल के क्या कहते हैं बिटफिनेक्स ने क्या किया है अपने क्या कहते हैं अपने एक्सचेंज के ऊपर एक लाइटनिंग नेटवर्क का जो वॉलेट है वो यूज़ कर रहे हैं ये लोग, जो कि बिटरिफिल के साथ में ये पेमेंट शेयर करेगा, तो उस तरह से ये लोग करने वाले, तो जो भी पेमेंट होगी वो डायरेक्ट बिटफिनेक्स काटेगा आपके अकाउंट से और फिर उनको लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू देगा, और हैंड टू हैंड काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड से ये लोग पेमेंट कर पाएंगे। और इस तरह से जो है एक और नई चीज़, मतलब एक काफ़ी यूनिक चीज़ देखी गई है कि इतने सारे हैक होने के बाद भी तो ये लाइटनिंग नेटवर्क के लिए कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एडॉप्शन है जो कि होने जा रहा है बिटफिनेक्स के थ्रू। बिटफिनेक्स काफ़ी एक दो बार तकरीबन ये हैक से भी गुजरा है, इतने सारे लॉ सूट से भी गुजर रहा है और बहुत सारी चीज़ें भी कर रहा है, उसके बाद भी यूनिक नई नई चीज़ें ये लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि क्या कहते हैं हेल्प ही कर रहे हैं अल्टीमेटली बिटकॉइन के इकोसिस्टम के अंदर। बेशक यूएसडीटी जो भी है वो सब चीज़ों को अगर एक साइड रख दें तो बिटफिनेक्स कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और हर एक कंपनी जैसे क्या कहते हैं जो कि जैसे हम लोग बात करें कूकॉइन हो गया, क्या कहते हैं बाइनेंस हो गया, उसके अलावा OKX हो गया, हु भी हो गया, तो ये सभी भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं एक्सचेंज चला करके और दूसरी चीज़ें करके जहाँ पर एडॉप्शन के अंदर ये लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों हम लोगों का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगाओ कि एडॉप्शन, अगर कोई कहे कि एडॉप्शन तो नहीं हो रही है तो आप लोग उन लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि देखिए कितनी जगह पर आप बिटकॉइन के थ्रू बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं चीज़ें और जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमेशा की तरह, सब्सक्राइब कीजिए और हॉडल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।